प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागी, त्रिभुवन दीपक सागिरा। प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागी, सुमित्र नंदन श्री मुनि सुव्रत, जगत नाथ जिन जाने, चारित्र ने केवल उपजायो, उपसम रसनी वाणीरा। प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागी, चौतीस अतिशय पैंतीस वाणी, निर्खत सुर इंद्राणी, सम्यंग रसनी वाणी, सावन रसस्यो आख्य भराणी। रामुनीसर प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागी, शब्द रूप रस गंध परस, प्रतिकूल न हुए तुम आगे, पंच दर्शन था सो पग नहीं माने, अशुभ शब्दाधिक भागे। राम प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागी, सुरकृत जल स्थल पुष्प पुंजवर, ते चांदी चित्त दीनो, तुज निश्वास सुगंध मुख परिमल, मन भ्रमरे महालीनोरा। प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागी, पंचेन्द्री सुर नर्तिरी तुमस्यु, किमु हुवे दुखदायो, एक इंद्रिय नील तजे प्रतिकूल पणो, बाजे गम तो बायोरा। प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागी, राग द्वेष दूर दंत ते दमिया, जित्या विषय विकारो, दीन दयाल आयो तुम शरणे, तू गति मति दातारोरा। प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागी, त्रिभुवन दीपक सागिरा। प्रभु जी आप प्रबल बड़े भागी। प्रभु जी आप प्रबल बड़ भागी, त्रिभुवन दीपक सागिरा, मतलब जो मुनि सूरत भगवान थे वो बीसवें तीर्थंकर थे, वो बड़े प्रबल भागी यानी भाग्यशाली थे। ऐसे सभी तीर्थंकर भाग्यशाली होते हैं, लेकिन जयाचार्य ने इस चौबीसी का संगान करते हुए कहा है जो मुनि सूरत स्वामी थे बड़े भाग्यशाली थे। त्रिभुवन दीपक सागिरा, त्रिभुवन यानी तीनों भवन के दीपक, सागी यानी साक्षात दीपक थे, तीन भवन यानी ऊर्ध्वलोक अधोलोक और मध्यलोक, तीनों लोकों के लिए मुनि सुव्रत भगवान थे, वो साक्षात दीपक के समान थे। दीपक क्या करते हैं, करता है भूले भटके मानव को सही राह दिखाता है। वैसे तीर्थंकर भी क्या करते हैं, जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं व्यक्ति प्राणी, उन सभी का वो क्या करते हैं, उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान के लिए कहा गया जो मुनि सुव्रत भगवान थे वो तीनों लोकों के लिए साक्षात दीपक के समान थे। सुमित्र नंदन श्री मुनि सुव्रत, जगत नाथ जिन जाने, जो ये मुनि सुव्रत है उनके पिताजी का नाम सुमित्र था, नंदन यानी पुत्र, सुमित्र के पुत्र श्री मुनि सुव्रत भगवान थे। जगतनाथ जिन जाने, और जगतनाथ जिन जाने, और जो
संपूर्ण संसार में वो जिन के नाम से जानी मने पहचाने जाते हैं, जिन यानी तीर्थंकर के नाम से वो तीर्थंकर के रूप में वो पहचाने जाते हैं। ये जो सुमित्र नंदन है, जो मुनि सुव्रत है, तो वो सुमित्र नाथ यानी उनके जो पिताजी थे वो सुमित्र राजा थे, और नंदन यानी पुत्र, सुमित्र राजा के पुत्र कौन थे, मुनि सुव्रत थे, और जगतनाथ यानी संपूर्ण संसार में वो तीर्थंकर के रूप में जाने जाते थे। ये मुनि सुव्रत नाम कैसे पड़ा, क्या कोई बता सकते हैं कि मुनि सुव्रत नाम रखने के पीछे क्या रहस्य था? एनीबॉडी, किसी को पता है? कोई बता सकते हैं? तो मुनि सुव्रत नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि उनकी जो माँ थी उनका नाम था प्रभावती। जब मुनि सुव्रत गर्भ में आते हैं, गर्भ के प्रभाव से माता को त्याग प्रत्याख्यान की भावना ज्यादा जागृत होती, यानी जो व्रत होता है उनका अच्छी तरह से पालन करती है, और उनकी चर्या कैसी थी, मुनि जैसी चर्या थी, उनकी माँ की चर्या थी वो मुनि जैसी थी, और सुव्रत ने अच्छी तरह से वो व्रतों का पालन करते थे। इसके कारण पिताजी ने कहा कि जब ये गर्भ में आया था तब उनकी माता ने व्रतों का अच्छी तरह से पालन किया, दृढ़ता के साथ पालन किया, और मुनि सुव्रत की माँ की जो चर्या थी वो मुनि जैसी थी, इसीलिए बालक का नाम क्या रखा जाए, मुनि सुव्रत रखा जाए। सुव्रत का मतलब अच्छी तरह से व्रतों का पालन किया, और उनकी जो माँ थी मुनि सुव्रत की माँ, उनकी चर्या थी वो मुनि जैसी थी, यानी जब ये गर्भ में थे मुनि सुव्रत तब माँ की चर्या मुनि जैसी थी, यानी पूरा जैसे मुनि कैसे अहिंसा का, सत्य का, अचौर्य का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का पालन करते हैं, वैसे ही जब गर्भ के प्रभाव से यानी गर्भ में थे उनके प्रभाव से उनकी माँ की चर्या भी मुनि जैसी हो गई थी, और व्रतों का त्याग का अच्छी तरह से वो पालन करते थे, इसीलिए कहा गया कि बालक का नाम मुनि सुव्रत रखा जाए। जो भी नाम रखे जाते हैं वो उनके गर्भ में जो संस्कार होते हैं, जो बहुत इच्छा उत्पन्न होती है उसके आधार पे प्राय प्राय बालक का नाम रखा जाता है। तो बालक का नाम रखा गया मुनि सुव्रत, और चारित्र ले केवल उपजायो, तो चारित्र लेते ही, दीक्षा लेते ही जो तीर्थंकर होते हैं उनको मन बड़े ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि तीन ज्ञान तो इनको बाय बर्थ यानी गर्भ से होता है। बाय बर्थ क्या, गर्भ से ही होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। जैसे ही दीक्षा ग्रहण करते हैं उनको चौथा ज्ञान यानी मन पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और दीक्षा लेने के बाद साधना करते हैं, साधना के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो मुनि सुव्रत भगवान को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, चारित्र ले यानी चारित्र को स्वीकार करने के बाद उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीर्थंकर की आत्मा को भी दीक्षा स्वीकार करनी पड़ती है, यदि दीक्षा स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो मुनि सुव्रत भगवान ने भी दीक्षा ग्रहण की, दीक्षा के लगभग 11.5 महीने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी छद्मस्थ कालीन का कम था, 11.5 महीना ही था, उसके बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये राजगृह नगरी के थे मुनि सुव्रत भगवान, तो राजगृह में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उनकी वाणी कैसी थी, तीर्थंकर की वाणी उपसम रसनी वाणी रहा, यानी उनकी वाणी एकदम उपसम रस से भरी हुई थी, यानी एकदम शांत, एकदम मतलब उनकी वाणी जो भी सुने उनको अच्छी लगती थी, क्योंकि एकदम शांति से कोई भी बात कहते तो वो अच्छी लगती है, यदि कोई व्यक्ति तेज होकर बोलता है तो उनकी वाणी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि भगवान के तो राग द्वेष समाप्त हो गए थे, इसलिए उनकी वाणी भी एकदम उपशम रस से भरी हुई थी, अच्छी वाणी थी। 34 अतिशय 35 वाणी निरकत सुर इंद्राणी, जो तीर्थंकर होते हैं सभी तीर्थंकरों के ये अतिशय होते, 34 अतिशय 34 अतिशय होते हैं, 35 वाणी यानी 35 वचनातिशय होते हैं, यानी उनकी
उनके जो अतिशय होते हैं उनके अतिशय के प्रभाव से जो भी शत्रु होते हैं उनके भी आपस में क्या है फ्रेंडशिप हो जाती है। कहा जाता है बाय बर्थ जो बिल्ली और चूहा होते हैं वो बाय बर्थ शत्रु होते हैं, एक दूसरे के वेरी होते हैं, लेकिन भगवान के अतिशय से एक ही साथ बैठ करके वो भी प्रवचन सुनते हैं। क्योंकि जो तीर्थंकर जब प्रवचन करते हैं तो 12 प्रकार की परिषद होती है, तो उसमें तीरंज तीरंचणी होते हैं, मनुष्य मनुष्यणी होते हैं, देव देवी होते हैं, इंद्र इंद्राणी होते हैं, ऐसे करके उनकी 12 प्रकार की परिषद होती है। तो 34 अति से 35 वाणी, उनकी वाणी का भी इतना प्रभाव होता है, तो उन वाणी का प्रभाव होने से जो भी जिस भाषा में, क्योंकि तीर्थंकर होते हैं वो प्राकृत भाषा में बोलते हैं, लेकिन उनकी वाणी का इतना प्रभाव होता है कि सभी लोग अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं। मनुष्य हो चाहे मनुष्यणी हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, चाहे तीरंच हो, चाहे तीरंचणी हो, सभी लोग अपनी अपनी भाषा में समझ जाते हैं, तो उनकी वाणी का इतना प्रभाव होता है। निर्खत सूर्य इंद्राणी, सूर्य यानी देवता, इंद्राणी यानी इंद्र की जो वाइफ होती है वो इंद्राणी होती है, देवता और इंद्राणी भी उनको निरखत यानी देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, यानी उनका उनकी जो वाणी इतनी प्रभावशाली होती है, उनका अतिशय इतना प्रभावशाली होता है, उनको बस देखते ही रहे, भगवान को देखते ही रहे, उनकी आंखें तृप्त नहीं होती, बस देखने की ही इच्छा होती रहती है, घंटों घंटों तक इंद्र इंद्राणी भी भगवान को देखते रहते हैं। सम्यग रसनी वाणी शाम्बल हरस स्वाख्य भराणीरा, यानी जो देवी देवता होते वो भी सम्यग रसनी यानी वैराग्य से भरी हुई, वैराग्य रूपी रस से भरी हुई वाणी को शाम्बल यानी सुन करके हरस स्यू आंख्य भराणी, हरस स्यू आंख्य भराणी का मतलब है उनकी आंखें भी हर्ष से भर जाती है, हर्ष के आंसू आ जाते हैं भगवान की वाणी को सुनते सुनते, इतनी खुशी होती है, इतनी प्रसन्नता होती है कि आंखों में हर्ष के आंसू आ जाते हैं। शब्द रूप रस गंध फरस प्रतिकूल न हुए तुम आगे, यानी 5 इंद्रियों के 5 विषय है, शब्द रूप रस गंध और फरस यानी स्पर्श, प्रतिकूल न हुए तुम आगे, आपके सामने आपके आगे वो प्रतिकूल नहीं होते, मैंने हमेशा शब्द रूप रस गंध और स्पर्श हमेशा अनुकूल रहते हैं, तुम आगे मैंने आपके सामने ये कभी भी प्रतिकूल नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, एग्जाम्पल दिया है, पंच दर्शन थास्यो पग नहीं मांडे, 5 दर्शन, 5 दर्शन कौन से, बौद्ध दर्शन, दूसरा नैयायिक दर्शन, तीसरा है सांख्य दर्शन, चौथा है वैशेषिक दर्शन और 5वां है मीमांसक दर्शन, ये 5 दर्शन है, तो ये 5 दर्शन है वो भी भगवान के आगे भगवान के सामने पग स्थिर करके नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का इतना अतिशय होता है, इतना प्रभाव होता है, तो वो दर्शन भी क्या है उन एक क्षण के लिए उनके सामने टिक नहीं सकते। वैसे ही अशुभ शब्दाधिक भागेरा, वैसे ही जो अशुभ शब्द अशुभ रूप रस गंध स्पर्श है वो सब भागे यानी दूर हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जैसे 5 दर्शन है वो भगवान के सामने टिक नहीं सकते हैं, वैसे ही अशुभ शब्द अधिक होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, वो भगवान के सामने टिक नहीं सकते हैं, वहां का एनवायरमेंट एकदम अच्छा होगा, शब्द रूप रस गंध स्पर्श सब कुछ अनुकूल होगा, वो कोई भी प्रतिकूल नहीं होगा। सूर्य कृत जल स्थल पुष्प पुंज वर ते छांडी चित्त दीनो, सूर्य कृत यानी जो देवता होते हैं वो क्या करते, फूलों की वर्षा करते हैं, जो भगवान जहां जहां विहार करते हैं तो आगे आगे देवता लोग क्या करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं, जल में स्थल में पुष्प पुंज वर पुष्प के समूह जो होता है वो उनकी क्या करते हैं, उनको छोड़ करके सूर्य कृत जल स्थल देवता द्वारा की गई पुष्पों की वर्षा, जल 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 में और स्थल में पुष्प पुंजवर पुष्प रूपी पुंजवर यानी समूह की जो बारिश की गई है, तेज छांडी उनको छोड़ करके चित्त दीनो, मेरा जो चित्त है आपको मैंने दे दिया, कैसे, जैसे श्वासोश्वास होता है,
श्वास के जो भगवान का जो श्वास होता है वो कैसा होता है, एकदम सुगंध होती है उसमें, जैसे पुष्प की कैसी सुगंध आती है निरंतर, वैसे ही भगवान के श्वास में भी इतनी सुगंध होती है। हम श्वास लेते तो किसी की सुगंध आती है, किसी की दुर्गंध आती है, किसी की स्मेल अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है, लेकिन भगवान की नाक से जो भी सुगंध आती है श्वास से वो सुगंध आती है, कभी दुर्गंध नहीं आती है। तो तुज निश्वास सुगंध मुख परिमल मन भ्रमर महालिनो, कि मैंने क्या किया, अपना जो चित्त है वो क्या कर दिया, तुज निश्वास सुगंध मुख परिमल, तुज निश्वास आपके श्वास सुगंध रूपी श्वास में मैंने क्या कर दिया, दीनो मैंने तल्लीन कर लिया है, दे दिया है। मन भ्रमर महालिनो, यानी जो मेरा मन रूपी भ्रमर है वो परिमल का मतलब जो सुगंध होती है, तो वैसे ही मेरा मन रूपी भ्रमर भी क्या है, लीन हो गया। जिसे भंवरा होता है वो सुगंध में कैसे लीन हो जाता है, तल्लीन हो जाता, वैसे ही मेरा मन रूपी भ्रमर भी क्या है, प्रभु के मुख रूपी जो सुगंध है उसमें ही मेरा मन है वो लीन हो गया, यानी एकाग्र हो गया, कंसंट्रेट हो गया है। पंचेंद्री सुर नर तिरि तुम शु, पंचेंद्री पांच इंद्री वाले कौन कौन होते, सुर यानी देवता, पांच इंद्री वाले और कौन होते, नर यानी मनुष्य, पांच इंद्री वाले और कौन होते, तीर यानी तिरंज लोग, तिरंज प्राणी एनिमल्स होते हैं, हाथी घोड़ा गाय भैंस कुत्ता आदि, वो भी पांच इंद्री वाले प्राणी होते हैं। तो पंचेंद्री सुर नर तिरि तुम शो, पांच इंद्री वाले देवता मनुष्य तिरंज तुम शो किम हो वे दुखदायो, मैंने उनसे आपको कैसे दुख उत्पन्न हो सकता है। एकेंद्री अनिल तजे प्रतिकूल पणो, क्योंकि एकेंद्री भी होते, एकेंद्री अनिल यानी वायु, जो वायु है पांच स्थावर है, पृथ्वी काय अप काय तेजस काय वायु काय, उसमें वायु काय है वो एकेंद्रीय है, मैंने पांचों स्थावर है केंद्रीय उनमें एक है वायु काय। तो वायु काय भी क्या करती है, प्रभु जहाँ होते हैं तीर्थंकर जहाँ होते वो अनुकूल हवा चलती है, वो भी अपना प्रतिकूलपना छोड़ देते, यानी वहां कोई तूफान नहीं होगा, साइक्लोन नहीं होगा, आंधी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, वहां एकदम अच्छी वायु चलेगी, प्रतिकूल नहीं होगी, अनुकूल वायु होगी। बाजे गम तो बायोरा, और जो वायु चलती वो सबको बाजे मैंने चलती है वायु, वो भी गम तो यानी सबको अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है, क्योंकि इतनी अच्छी हवा चलती है, ना ज्यादा कष्टकर होती है, ना ज्यादा मतलब एकदम तूफानी हवा होती है, एकदम अच्छी मंद मंद सुहावनी इतनी अच्छी हवा चलती है, तो सबको अच्छी लगती है, गम तो यानी सबको अच्छी लगती है। राग द्वेष दूर दंत ते दमिया, जो मुनि सुव्रत भगवान है उन्होंने क्या किया, जो दुर्दंत जिसको जीतना कठिन है ऐसे राग द्वेष को दमिया दमित कर दिया, यानी जीत लिया, और जीत्या विषय विकार, और विषय विकार थे, वासना थी, विषय थे, विकार थे, उन सबको भी जीत लिया। दुर्दंत ने जिसको दुर्दंत जिसको दमित करना कठिन है ऐसे राग द्वेष को भी जीत लिया, और विषय विकार को भी जीत लिया। राग देश का तो दमन कर लिया, दमन का मतलब है राग देश को अपने कंट्रोल में कर लिया, और विषय विकार को जीत लिया। दीन दयाल आयो तुझ शरणे तू गतिमति दातारो, ये दीन दयाल मैं आपकी शरण में आया हूँ, कौन कह रहा है, जयाचार्य कह रहे हैं भगवान मुनि सूरज से, हे प्रभु दीन दयाल मैं क्या हूँ, दीन दयाल मैंने हे दीन दयाल मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप कैसे हो, गति है मेरी और मति है और दाता है, आप ही मुझे गति दे सकते हैं यानी अच्छी सुगति दे सकते हैं, मति यानी सुमति अच्छी बुद्धि प्रदान कर सकते हैं, दाता मैंने दे सकते हैं आप, इसलिए हे दीन दयाल मुनि सूरत के लिए कह रहे हैं जयाचार्य, हे दीन दयाल आयो तुम शरण में, तुम्हारी शरण में आयो मैं आया हूँ, आप ही मेरी गति है, आप ही मेरी मति है, आप ही मेरे दाता हैं, ऐसे करके जयाचार्य ने ये ढाल मुनि सूरत भगवान के लिए बनाई है। तो ये कब बनाई, इसमें तिथि नहीं आई, नहीं तो सब में आती है। अच्छा, उंगनी से आसोज तीज तिथि श्री मुनि सुव्रत गाया, लाडनू शहर मही रूढ़ी रीते आनंद अधिक को पायो,
यानी इसकी जो रचना है ये भीष्म ढाल की रचना है। जयाचार्य ने कहा की थी, लाडनू में की थी, और 1900 में और आसोज तिथि थी, आसोज में तीज तिथि थी, और मुनि सुव्रत भगवान के बारे में मंगाया और उस दिन उनको बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति हुई थी जयाचार्य को, क्योंकि तीर्थंकर की स्तुति करने से अपने आप ही आनंद की अनुभूति होती है, तो जयाचार्य को भी आनंद की अनुभूति हुई थी। ये बहुत अच्छी है भगवान मुनि सुव्रत की ढाल, तो सभी क्योंकि राग भी अच्छी है तो आप आराम से इसको याद भी कर सकते हैं, बार बार आप गाते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। इसी आशा के साथ ओम अरहम। अब हम करेंगे प्रार्थना करेंगे, किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदामी मेरा एक प्रश्न है वंदामी, आपने जो पांच ज्ञान बताए थे ना, बौद्धिक ज्ञान, न्याय, बौद्धिक नहीं मत ज्ञान, दर्शन नहीं तो दर्शन, पांच दर्शन, अच्छा बौद्धिक दर्शन, बौद्धिक नहीं बौद्ध दर्शन, तो मतलब उस टाइम वो पांच दर्शन बहुत फेमस थे क्या? दर्शन तो लगभग ऐसे होता है ना, हर युग में होते हैं।